विदेशी फ्रॉड रोमानिया का नागरिक गिरफ्तार। यदि आपका पैसा बैंक में है और आपने एटीएम कार्ड ले रखी है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी जमा पूंजी पर विदेशियों की नज़र है। जी हां, महाराजगंज जिले से लगी भारत नेपाल की सोनोली सीमा पर इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियों ने एक रोमानिया नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो कोलकाता में रहकर लोगों के एटीएम को हैक कर उनके खातों से रकम चुरा कर था। पुलिस ने बताया कि इस विदेशी नागरिक के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने 7 अगस्त को लुक आउट नोटिस जारी किया था, जिसके कारण ये देश छोड़कर भागने के फिराक में था, जिसको बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया और कोलकाता पुलिस को सौंपा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में खड़ा ये विदेशी नागरिक काफ़ी शातिर किस्म का है और इंडिया में आकर ये यहाँ के लोगों के एटीएम को हैक कर उनके खातों से पैसा निकाल लेता था। आबराजन अधिकारियों की पूछताछ में इस रोमन नागरिक ने अपना नाम ओरेल ओइसु पुत्र घो और घे निवासी द्रोबेटा दिसरिविसी सेरवन स्ट्रीट लालेलोर नंबर 6 जोन मेहडिंडी रोमानिया बताया। आपराजन अधिकारियों ने उसके पासपोर्ट और वीजा की जब जांच की तो कोलकाता पुलिस के लुक आउट नोटिस जारी करने की बात सामने आई। कोलकाता पार्क स्ट्रीट पुलिस ने एटीएम हैंकिंग के मामले में क्राइम नंबर 94/18/120B/419/427/468/471 आईपीसी की धारा अंतर्गत 27 जुलाई 2018 को मुकदमा दर्ज किया है। सरहद के सुरक्षा एजेंसियों के पूछताछ के बाद से एटीएम हैंकर रोमन नागरिकों को कोलकाता पुलिस के हवाले किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि ये एक बड़ी कामयाबी है, इससे विदेशी नागरिक के विरुद्ध कोलकाता में एटीएम हैंकिंग के मुकदमे दर्ज हैं। कोलकाता पुलिस आ रही है, उसे उनके हवाले कर दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई कोलकाता पुलिस करेगी। किस तरह का सर ये भारत नेपाल सीमा पर रोमानिया नागरिक पकड़ा गया, किस तरह का वीडियो में लिख रहा था? ये हमारे सोनोली बॉर्डर पे इमिग्रेशन जो चेक पोस्ट है, यहाँ पे रोमानियन ये सिटीजन पकड़ा गया है और इसका अभी जस्ट 7 अगस्त को ही लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है कोलकाता पुलिस के द्वारा। तो जैसे ही इसका पासपोर्ट चेक किया गया, ये पता चला कि इस पे FIR रजिस्टर्ड है और लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। फिर इसमें कोलकाता पुलिस को जानकारी दी गई है और कोलकाता पुलिस आ रही है। ये इस पे जो केस है वो ATM फ्रॉड से रिलेटेड है और ये ATM में जिस तरह का भी फ्रॉड करता था, अभी कोलकाता पुलिस ज़्यादा डिटेल में बताएगी, तो इसको कोलकाता पुलिस को सौंपा जाएगा। जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।